फितने इश्क तेरी अंगड़ाई है, तेरी आंखों ने कयामत की अदा पाई है, और तुम लाख करो कोशिश हासिल नहीं होगा। ये दर्द मोहब्बत है मरने से मिटता है, और दिल तुझे दे दिया मेरे हमदम, दिल मेरा तोड़कर नहीं जाना, और आ गए हो तो ये कसम खाओ और मुझे छोड़कर नहीं जाना। वाह वाह, ओके, क्या बात। चल नमस्ते, आज हम हैं फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर हमारे गाइड साहब आज इस पूरे किले का, अकबर के जो ड्रीम सिटी थी उसका हमें दर्शन कराएंगे। प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद महराज है, मैं लोकल फतेहपुर सीकरी का गाइड हूँ। तो अगर आप सुनिएगा, आप यहाँ देखने के लिए दो जगह हैं, टू प्लेस फतेहपुर सीकरी। यहाँ सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है जी। तो सबसे पहले इस जगह का नाम था सीकरी, फतेहपुर नहीं था। ये इलाका पहले राजस्थान में लगता था, जो है चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, तो ये राजस्थान में ही लगता था जो। तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पहले मुगल बाबर आए, उसके बाद जो है हुमायूं अकबर। तो यहाँ राणा सांगा और बाबर की एक लड़ाई हुई 1527 में। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव है राजस्थान में पड़ता है, जिसका नाम है खानुआ, खानुआ का मैदान। हाँ, खानुआ का। तो बाबर ने जगह को फतेह किया, जीता, इसका नाम रखा फतेहपुर। फतेह कहते हैं जीत को। यहाँ अकबर ने आकर मिलाकर फतेहपुर सीकरी कर दिया इसको जो है। तो ये पूरा ही फतेहपुर सीकरी जितना भी ये पैलेस बना हुआ है, ये राजा अकबर ने बनाया। यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो मुगलई जो सल्तनत रही है उसमें बाबर, फिर हुमायूं और उसके बाद अकबर, तीनों का यहाँ पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब एक लंबा का। हाँ, मगर ये पूरा जो पैलेस है वो अकबर का बनाया हुआ है। अकबर तीसरे मुगल राजा थे, पहला मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर। उनकी तीन रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर की और भी कई रानियां थी, मगर तीन चार रानियां उनकी खास रानियां थी जी। हिंदू रानी का नाम था जोधा बाई, वो जयपुर राजस्थान से थी। एक रानी मुस्लिम रुकैया बेगम थी, सलीमा बेगम थी, क्रिश्चियन मरियम रानी थी, कई रानी थी। उनके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, बच्चे सभी रानी पे थे, मगर लास्ट में कोई बच्चा नहीं था। तो फतेहपुर सीकरी से पहले बच्चे सभी के थे, लेकिन लास्ट सभी रानी पे नहीं थे, बच्चे नहीं थे कोई बच्चे। तो यहाँ से पहले राजा अकबर आगरा में रहते थे, आगरा फोर्ट के अंदर। राजा अकबर को किसी ने बताया कि फतेहपुर सीकरी आप जाइए, पहाड़ी पर एक पीर बाबा रहते हैं जिनका नाम है सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से आपके बच्चा हो जाएगा। तो राजा अकबर जहाँ पर रानियों को लेकर पीर बाबा के पास आए, सलीम चिश्ती के पास पहाड़ी के ऊपर, उनसे आकर मिले, बोले आप मेरे लिए दुआ कर दो, आशीर्वाद दे दो, बच्चा हो जाए। तो पीर बाबा के आशीर्वाद से महारानी जोधा हिंदू रानी से एक बच्चा हुआ, जिस बच्चे का खुद नाम पीर बाबा ने पहले रखा सलीम, और वो बड़ा हुआ उसका नाम रखा जहांगीर। तो जहांगीर जो राजा थे फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए, इसलिए बादशाह ने पूरा महल बनाया। राजा अकबर ने इसको 1570 में स्टार्ट किया, 1570 में बनाना, 1582 में कंप्लीट, पूरा ही 12 साल में बना हूं। तो खानवा का युद्ध इसी फतेहपुर के लिए महत्व रखता है। हाँ, जो 1527 में लड़ा गया, पहली लड़ाई 1526 में पानीपत में हुई, इब्राहिम लोदी और बाबर की जी। ये दूसरी लड़ाई राणा सांगा और बाबर की यहाँ खानुआ के मैदान में हुई, 15 किलोमीटर दूर राजस्थान में। और जो अकबर ने जो इसका निर्माण कराने का जो समय लिया, वो कब लिया? ये 1570 में, 1570 में इसको शुरू किया बनाना, 40 से 45 साल बाद बाबर के। हाँ जी, तो 12 साल में कंप्लीट हुआ बनकर, पूरा ही लाल पत्थर से बनाया जो है। ये लोकल है, यहाँ का लोकल स्टोन है लाल पत्थर। ये कहाँ से लाया गया? ये राजस्थान से लाया गया, मगर ये फतेहपुर सीकरी की जो पहाड़ी है ये राजस्थान से मिलती है, अरावली बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो ये यहाँ मिलता है, यहाँ लोकल में भी मिलता है। हमारे यहाँ लोग, यहाँ के लोकल के लोग भी इस मकान बनाते हैं इस पत्थर से जो है जी। तो ये यहीं मिलता है। तो तीनों रानियों से बच्चा नहीं था, इसलिए राजा यहाँ पर आए, पीर बाबा की दुआ से बच्चा हुआ, इसलिए बनाया पूरा फतेहपुर जो मुगल आजम की शुरुआत में दिखाया गया। हाँ, सलीम का जन्म। सलीम, तो अभी आप लोग जहाँ खड़े हैं, ये राजा अकबर के टाइम का अस्तबल था, ये घोड़ों के लिए था पूरा, तीनों तरह राजा रानी मंत्रियों के ही घोड़े यहाँ पर रहते थे जो है। ये तीनों तरफ बना हुआ है, सामने जो महल बना हुआ है वो बीरबल का पैलेस है। राजा के 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, जिनका नाम बीरबल था, तानसेन था, मानसिंह था, अब्दुल फजल था, अब्दुल फैजी था, मुल्ला दो प्याजा था, टोटरमल था, ये उनके 9 मिनिस्टर थे। उनमें से एक बीरबल बहुत राजा के करीब रहते थे, उनके एडवाइजर मिनिस्टर थे जी। तो ये सामने उनका महल है, मगर अभी इसको बीरबल हाउस कहते हैं, बीरबल का पैलेस। इससे पहले ये राजा की एक रानी और थी जिनका नाम था ना सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम राजा अकबर से पहले ये बैराम खान की बीवी थी। बैराम खान जो है सुपे सालार थे बाबर के वक्त में, बाबर से लेके अकबर तक रहे।
अकबर को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं ने जो है उनको राजा बनाया 12 साल 13 साल की उम्र में जो है। तो बैराम खान है ना, बैराम खान जी, तो ये बैराम खान की बीवी थी सलीमा बेगम। अच्छा, तब तो अकबर से उम्र में भी बड़ी रही। हाँ, उनसे एक बच्चा भी था जिनका नाम था ना रहीम खान खाना जी। तो उनके मरने के बाद राजा ने उनसे शादी कर ली सलीमा बेगम से, इसलिए कि इनको एक अच्छी इज्जत मिले, रहन सहन मिले, खान पीन बढ़िया मिले, क्योंकि बैराम खान ने राजा को पाला इसलिए जी। जी, तो अभी हम उधर ही चलेंगे बीरबल हाउस जी। ये अस्तावल था पूरा तीनों साइड से, यहाँ वही घोड़े रहते थे जो है राजा अकबर उनकी रानियों के जो है, और ये ऐसे घोड़े होते थे जो है भागने वाले कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आगरा है, अगर आप कार से जाएंगे तो आपको एक घंटा लगेगा, और वो घोड़े भी कम से कम एक डेढ़ घंटे में ही पहुंचते थे जो है उस जमाने में, इस तरह से कि जहां से हर 10 किलोमीटर के बाद उनके रखने की एक अलग चौकी होती थी। फतेहपुर सीकरी से जो घोड़े को लेके चलते थे तो वो 10 किलोमीटर के बाद उसको रोक देते थे, वहां से फिर दूसरा लेते थे, इस तरह से रास्ते में बलगते थे तो एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाते थे। तो यह तो बांधने के लिए था यहाँ पर, और ये सब उनके खाना रखने के लिए था, दाने के लिए, यहाँ उनका दाना वगैरह रहता था, घास वगैरह। तो अभी हमने आपको दिखाया था अस्तबल घोड़ों के लिए था, ये यही राजा बीरबल का महल है। ये राजा अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे, 9 रतन, उनमें एक बीरबल थे, बीरबल राजा के बहुत करीब रहते थे, उनके एडवाइजर मिनिस्टर थे, इसलिए राजा ने भी उनके लिए महल पैलेस के अंदर ही दिया, और बाकी जो मिनिस्टर हैं उनके वो सभी के जो महल हैं इस महल के पूरे पैलेस के बाहर बने हुए हैं, आउट ऑफ एरिया में जो है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा महल है, इसके अंदर बहुत अच्छी नक्काशियां हैं, कार्विंग है, इसके अंदर 3 कमरे हैं, तीनों के अंदर बहुत ही अच्छी नक्काशियां हैं, अलग अलग डिजाइन की हैं, ऊपर भी है, ऊपर के रास्ते तो बंद है जी। तो अच्छा, एक बीच में मैं बात कर रही हूँ, बीरबल की बात कर रहे हैं जी जी जी। बीरबल के बारे में जैसे मैं, अगर मैं मुगलई सल्तनत का पूरा जो कार्यकाल देखता हूँ, आपकी नजर में कैसा लगता है अकबर का कार्यकाल? कारण यह है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा सॉफ्ट कार्नर रखने वाला शायद कोई मुगल शासक रहे हो। अकबर को तो जो है महान राजा कहते हैं जो है जी, और बहुत ही अच्छे राजा थे जो सभी धर्म को फॉलो करते थे, उसका यहाँ अंश भी देखने को मिलता है, जबरदस्ती भी नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं, जो अपने धर्म पे था वो अपने धर्म पे रहे। राजा अकबर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उनके यहाँ तीनों चारों धर्म की रानियां थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तो बहुत ही अच्छे राजा थे, महान राजा जो है अकबर द ग्रेट कहा जाता उनको जो है। तो अभी हम बीरबल के महल में चलते हैं, आ जाइए आप, ये जितनी भी नक्काशी हो। महल बीरबल हाउस जो राजा के एडवाइजर मिनिस्टर थे वो, ये मीना बाजार है, मीना बाजार यानी लेडीज मार्केट, यहाँ रानियों के लिए बाजार लगता था जो है, और बाहर से जहाँ लेडीजें आती थी उनकी जरूरत के यहाँ चीजें बिकती थी, जैसे कि उनकी नेकलेस है, कपड़े हैं, चूड़ी है, जो भी है लेडीज सामान सारा यहाँ बिकता था वो, तो ये पूरा मीना बाजार है। तो ये जोधाबाई का पैलेस है, जोधाबाई महल, गर्मी के लिए और सर्दी के लिए, ये उनका समर हाउस था जो है, समर हाउस लिए कि इसके पीछे पीछे जहाँ जंगल में एक पानी की नदी बनाई थी जिसको कहते थे ना मोती झील, आर्टिफिशियल लेक, उधर से ठंडी हवाएं आती थी, तो ये उनका जो है ठंडा रहता था पैलेस, समर हाउस, समर पैलेस। इसके अंदर ही विंटर हाउस है, वो बिल्कुल पैक है, बंद है, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, जाली नहीं है, जो लास्ट में अभी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं हवा महल दिखाएंगे आपको, पंचमहल, 5 मंजिल का महल, आगे आ जाइए आप। तो अभी आपने जो देखा था वो मीना बाजार था, रानियों के लिए लेडीज मार्केट थी, ये रानियों के लिए हवा महल बनाया था, इसको कहते हैं पंच महल, ये 5 मंजिल का महल है जी, और इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, सपोर्ट बाई कॉलम पिलर खम्भे हैं, खम्भों पे ही इसको बनाया 5 मंजिल। गर्मी के टाइम में एक मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, इस जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये सामने वाली जो जगह है वो लेडीज हॉस्पिटल था रानियों के लिए, अच्छा दवाखाना, पूरा जगह अस्पताल थी महिलाओं के लिए रानियों के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, दिल्ली है, आगरा है, लाहौर है, या कहीं भी है जहाँ मुगल किले हैं, मुगल पैलेस है, आपको 3 चीजें जरूर मिलेंगी, दीवाने आम, दीवाने खास, ये तो राजाओं में, हाँ, मीना बाजार और लेडीज हॉस्पिटल, ये रानियों के लिए सब कुछ पैलेस के अंदर ही मिलता था, महल बनाया पर्दा सिस्टम, हरम सिस्टम। तो ये पंच महल है, सभी रानियां गर्मी में ऊपर बैठ, महल है, 5 मंजिल का महल है जी।
यहाँ राजा रानी गर्मी के टाइम में ऊपर बैठकर हवा खाते थे, इसलिए ये हवा महल था। हिंदू रानी कभी कभी सम टाइम वहाँ जाकर पूजा करती थी ऊपर। ओके। और मुस्लिम रानी वहाँ ईद मुबारक का चांद देखती थी जो है। सभी रानियां ऊपर बैठकर हवा के लिए। तो ये हवा महल पंच महल, दीवार नहीं है, खाली खम्भे और पिलर हैं इसके ऊपर। ये जाने के रास्ते थे जो अभी बंद कर दिए जो है ऊपर जाने के लिए सुरक्षा के दृष्टि। हाँ, तो ये हवा महल पंच महल हॉस्पिटल था उनका, दवा खाना था जो है रानियों के लिए। जी, अभी उधर आपको दिखाया हमने लेडीज हॉस्पिटल। जी, ये जहाँ राज ज्योतिष के बैठने की जगह थी। जी, ऐसा बता दो कोई जैन संप्रदाय। राज ज्योतिष जहाँ बैठते थे उनका नाम था पंडित परशोत्तम दास, क्योंकि राजा अकबर सभी धर्मों को फॉलो करते थे। राजा को अगर उनसे कुछ जानकारी लेनी होती थी जहाँ आकर के उनसे जानकारी लेते थे। ये बिल्कुल जैन आर्किटेक्चर है। अच्छा, वो जैन नहीं थे, आर्किटेक्ट। हाँ, आर्किटेक्चर। इस तरह के जो मंदिर हैं वो राजस्थान में भी हैं और साउथ के अंदर भी। एलिफेंट, हाथी के सूंड होते हैं ना, इस तरह से दिख रहा है, मगर ये क्रोकोडाइल है। ये मगरमच्छ है। ये इसके पैर हैं। जी, ये आंखें हैं, ये यहाँ इसके कान हैं, ये दांत हैं पूरे, ये बॉडी जैसी बनाई है। तो ये जैन आर्किटेक्चर के अंदर क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, लुक लाइक एलिफेंट। तो ये ज्योतिष के बैठने की जगह है, ज्योतिष की छतरी बोलते हैं इसको जो है। तो ये ज्योतिष छतरी लिए राजा की तीन रानियां थी, तीनों के लिए अलग अलग तीन कमरे हैं इसके अंदर। और महल के अंदर जो है तिजोरियां बनी हुई हैं दीवारों के अंदर। उधर चलते हैं देखो कि सोने चांदी के सिक्के होते थे जो है, पेपर मनी नहीं थी, वो अंदर से देखेंगे आप। तिजोरियां हैं, देखिएगा आप, ये अंदर से खाली हैं। जी, तो ये ज्यादा गहरे नहीं है, जहां तक हाथ जाता है उतना ही गहरा है। ये सोने चांदी के सिक्के रखती थी यहाँ पर रानियां, और अपने जेवर वगैरह, नेकलेस सिस्टम होता था जो है, कपड़े की थैलियां होती थी ना, उनमें अपने सिक्के हैं, जितने भी सिक्के हैं उसमें लिख दिया, थैली को रख दिया और निकाल लिया। इस महल को खजाना महल भी कहते हैं और आंख मिशौनी भी कहते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, आंखों से पट्टी बांधकर छुपी छुपा खेलते हैं। यहाँ ये गैलरियां बनी हुई है खेलने के लिए, तो यहाँ रानियां और उनकी दासियां मिलकर खेलती थी जो है, ये बनी हुई है। खेलने के समय उनके जो नेकलेस वगैरह सिक्के वगैरह होते थे तो यहाँ रखती थी, यहाँ अपने नेकलेस छुपा करके फिर वो खेलते थे उनको फिर ढूंढते थे, इसलिए ये आंख मिशौनी और खजाना महल बोलते हैं। ये यहाँ डोर फ्रेम लगी हुई है, पत्थर के चौकटे हैं, इनके अंदर दरवाजे भी होते थे, चंदन की लकड़ी वाले, सैंडलवुड वाले, आबनूस की लकड़ी के, चंदन की लकड़ी के। तो इसको पूरा खजाना महल कहते हैं। तीन रानियों के लिए तीन कमरे अलग अलग है। अभी हम यहीं से चलेंगे, दीवाने खास दिखाएंगे आप। ये सामने गांव सीकरी है, सीकरी विलेज है, इसके पीछे फतेहपुर है, मिलाकर फतेहपुर सीकरी कहते हैं। ये पानी का टैंक है, तालाब, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पानी की बहुत कमी थी, प्रॉब्लम थी। इसी तरह के राजा अकबर ने 52 टैंक बनाए, 52 टैंक इसी किले में, बाहर पूरा फतेहपुर सीकरी के बाहर चारों ओर इस तरह के। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दीवाने खास के लिए, खास के लिए। यहाँ राजा अकबर के 9 मिनिस्टर बैठकर डिस्कस मीटिंग करते थे, ये सामने बना हुआ है। अच्छा, इसके लिए कुछ क्या है स्पेशल, कोई प्रोटेक्शन होता था इसके अंदर? मीटिंग होती थी यही बैठकर। राजा अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम रखा दीन इलाही। तो राजा अकबर उनके 9 मिनिस्टर इसके अंदर बैठकर डिस्कस मीटिंग करते थे। वो जगह बैठने के अंदर है, तो अंदर से ही दिखाएंगे, आप अंदर आ जाइए। दीवाने खास के भीतर अभी हम उस जगह पर हैं जहां पर एक सिंबॉलिक पिलर है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और ये वो जगह है जहां पर दीवाने खास, सॉरी, इस दीवाने खास में दीन इलाही। तो ये दीवाने खास है, यहां खास बातें होती थी राजा अकबर उनके 9 मिनिस्टर की, और ये उस चीज को भी याद दिलाता है कि जहां दीन इलाही मतलब सभी धर्मों को फॉलो करते थे राजा। ये जो पिलर है इसके ऊपर सभी धर्मों के सिंबल हैं। थोड़ा सा इसको करीब से, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। जी, यहाँ ये जो आर्च बने हुए हैं, जी ये जो आर्च बने हुए हैं इस्लामिक है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। जितने ये लोटस फ्लावर कमल के फूल हिंदू सिंबल है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है उसके जस्ट ऊपर। हाँ, और उसके ऊपर जो है जैन आर्किटेक्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे जो है उमर खय्याम मुगल डिजाइन है, ये प्योरली मुगल डिजाइन से नीचे। ये सभी धर्मों के सिंबल है क्योंकि राजा सभी धर्मों को फॉलो करते थे। बीच में राजा बैठते थे, सेंटर में टॉप ऊपर, तो इसके टॉप पर राजा, बीच में राजा अकबर बैठते थे, राजा अकबर, और वहीं बगली से मंत्री लोग, और इसी के कोनों पर
चारों ओर चारों चारों कोनों पर उनके मंत्री जो मंत्री थे वो बैठते थे। ये यहाँ से यहाँ पर हमारे गाइड साहब ने बताया ये रास्ता था जिससे राजा ऊपर पहुंच करके अपने विशेष मंत्रणा करते थे। एक प्रॉपर सिटी प्लानिंग कैसे हो सकती है उस चीज को हम फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं और कैसे एक शानदार शहर पूरी तरीके से समाप्त हो गया उसकी एक दर्द भरी दास्तां को भी रिप्रेजेंट करता है। आज भी इतना शानदार शहर और उसकी प्रॉपर प्लानिंग थी। आप देखें कि उनके जो जूनियर मिनिस्टर्स थे उनके रहने के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया था। अब ये दीवाने आम था आम लोगों के लिए जनता दरबार हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ राजा अकबर पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। जो है ये राजा के बैठने की जगह थी ऊपर जी। यहाँ अकबर बैठते थे यही उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे नीचे 9 रतन। तो अकबर राजा के पास एक हाथी था उधर हाथी के बांधने की जगह है जिनको सजाए मौत बोलते थे। राजा हाथी के सामने डालते थे हाथी पैर रखकर मार देता था जो जी। तो ये पूरा ही जनता दरबार था दीवाने आम आम लोगों के लिए हाउस ऑफ कॉमन दीवाने आम बेहद शानदार दीवाने खास से बहुत ज्यादा विस्तृत ज्यादा बड़ी जगह और इसी के बीचों बीच में ये जो बनाई गई संरचना है इसके टॉप पर बीच में अकबर बैठते थे दीवाने आम। यहाँ पर शासक अकबर भीतर से जाते थे और जो बाहर का हमने प्रांगण दिखाया था उस प्रांगण में जनता बैठती थी इधर से अकबर को जाने का रास्ता मिलता था जी। यहाँ जमीन पर आप देखिएगा ये बना हुआ है लूडो इस तरह चौपड़ है ये जी। यहाँ बीच में राजा रानी बैठते थे टेबल के ऊपर जी और चलने वाली जो गोटियां होती है उनकी जगह यहाँ लेडीज खड़ी करते थे 16-16 जी चार चार चारों तरफ जी। जैसे गोटियों के कलर होते हैं ना ब्लैक व्हाइट उनको ड्रेस बनाते थे जो है वो लोग बैठकर यहाँ बीच में चालें चलते थे यानी चारों चारों कोनों पर अलग अलग ड्रेस पहन करके उनकी लेडीज है गोटों की जगह राजा रानी टेबल पे बैठते थे जिनकी चालें आती थी उनको चलने को बोलते थे डायरेक्शन देते थे वो लेडीज से मूव करती थी यहाँ घूमती थी। ओके तो ये 25वीं गेम है लूडो एसएम लाइक जी शतरंज जी। यही वो जगह है जहां पर बैठ करके राजा रानी आनंद लेते थे और शतरंज की चौपड़ों पर यहां पर उनके हरम की महिलाएं लेडीज बिठाई जाती थी खड़ी रहती थी और जैसे राजा अपने दांव खेलते थे वैसे वैसे उनको मूवमेंट करना होता था जी। ये जो महल बना हुआ है ये राजा अकबर की पहली रानी का है जिनका नाम था ना रुकैया बेगम जी। रुकैया बेगम जो है तुर्की की रहने वाली थी और महल का नाम था शीश महल मिरर हाउस शीश। ये राजा की पहली बेगम थी फर्स्ट वाइफ। ओके महल के अंदर राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर मिरर लगे हुए थे कांच शीशे लगे हुए थे अभी भी अभी नहीं है राजा के टाइम में थे और इसके अंदर हीरे जवरात लगे हुए थे मगर नक्काशी बहुत अच्छी है इसके अंदर देखेंगे आप बहुत ही महीन कारीगरी है बाहर और भीतर देखिए इतनी अच्छी महीन कारीगरी है सभी लाल पत्थर के ऊपर है देखिएगा हाथ का वर्क ये सब अभी भी गांव में लोग बनाते हैं ये अभी नया बना के लगाया है यानी ये टूट गए थे रिपेयर किए गए दूसरे बना के लगाए हैं और अभी यहाँ कारीगर हैं बनाने वाले यहाँ कुछ भी टूटता है तो बहुत ही जल्दी बना के लगवाते हैं यहाँ अधिकारी लोग। ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे सभी के अंदर कांच लगे हुए थे मिरर जी और वही छोटे छोटे सुराख हैं जो वाइट दिख रहे हैं आपको वहाँ हीरे लगे हुए थे डायमंड्स। ओके तो ये बहुत छोटा महल है मगर सबसे अच्छा महल है रुकैया बेगम का सबसे कीमती हाँ बहुत छोटा सबसे अच्छा रुकैया बहुत ही महीन कारीगरी रुकैया बेगम के महल में। हम इस रुकैया बेगम के महल के चारों ओर चलते हुए देख सकते कितनी महीन नक्काशी की गई थी और छोटा ही सही लेकिन बहुत ही कीमती और बहुत ही मन से एक प्रॉपर सिटी प्लानिंग क्या हो सकती है शहर को बनाने की कोशिश कैसे हो सकती है वो अकबर ने आज के 500 साल पहले दिखाया था। ये जो तालाब है पानी का जी राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर गुलाब जल का पानी रहता था खुशबू का पानी अभी ये बारिश का पानी है। तो राजा अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे उनमें से एक तानसेन थे
बानसेन बहुत ही अच्छे सिंगर फेमस गाने वाले थे जी। ये बीच वाली जो जगह है वो उनके गाने की जगह है, यही जो हम यहाँ बैठकर, हाँ ये यहाँ बैठकर गाते थे वो जी। तो एक बार उन्होंने बैठकर यहाँ गाया दीपक राग, उनके गाने से दीप जल गए। वाह, बताया जाता है कि यहाँ बैजू बाबरा ने जो एक मल्हार गाया तो बारिश हो गई जी। तो ये वही जगह है तानसेन के गाने की है पूरी। सामने जो फ्लोर दिख रहा है वहाँ राजा रानी बैठते थे। अच्छा, यहाँ सामने बीच में और यहाँ तानसेन गाते थे। तो इसको चार चमन भी कहते हैं, चार रास्ते हैं, चार चमन के मायने सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। अनूप तालाब भी कहते हैं, अनूप के भी मायने बहुत अच्छी जगह है। तो ये तानसेन गाते थे। यहाँ उनके टॉयलेट बाथरूम थे, शाही हम्माम वगैरह थे, शाही हम्माम वाशरूम सामने वाले, ये बंद है ना जी, इसके अंदर है। और अभी हम चलेंगे राजा के महल के अंदर। ये अकबर का पैलेस है, अकबर का व्यक्तिगत पैलेस। बिल्कुल बिल्कुल, महल का नाम था ख्वाबगा, ख्वाबों का महल, सपनों का महल। तो ये ड्रीम हाउस अकबर के रहने का है। गर्मी के टाइम में राजा नीचे रहते थे, सर्दी के टाइम में ऊपर। अभी हम अंदर चलेंगे, यहाँ पत्थर का बेड बना हुआ, पलंग, वो दिखाएंगे आपको। आ जाइए। इस अनूप तालाब और उसी के सामने अकबर का महल जी। ये पानी की सुराही थी, जैसे मटके होते हैं ना घड़े, तो राजा अकबर के पीने के लिए पानी रहता था इसके अंदर। ये टूट गया है, राजा अकबर के टाइम में बहुत ही अच्छा बना हुआ। हाँ, फतेहपुर सीकरी का पानी खारा है। राजा अकबर के लिए बाहर से पानी आता था, यहाँ इकट्ठा होता था जो है। तो ये मुगल सुराही है पानी पीने वाली, टूट गई है ये। राजा अकबर का डाइनिंग हॉल था, यहाँ राजा फैमिली खाना खाती थी जो है। नीचे बैठकर दस्तरखान होते थे, नीचे बैठकर खाते थे, गली से वगैरह। दस्तरखान जो लखनऊ की भाषा में, या दस्तरखान, नीचे बैठकर खाते थे। ये सब खाना रखने की जगह थी जी। तो ये पूरा ही उनका डाइनिंग हॉल, खाना खाने का कमरा है। इसके बाद हम चल रहे हैं राजा अकबर के बेडरूम की ओर। राजा अकबर का जो बेड होता था वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर, ये है जी। तो ये महल राजा अकबर के रहने का है। महल का नाम था सपनों का महल, ये राजा का ख्वाबगा था। यही राजा रहते थे, गर्मी के टाइम में यहाँ नीचे रहते थे राजा, सर्दी के टाइम में इसके ऊपर रहते थे। ऊपर भी महल बना हुआ है जी। ये राजा का बेड है, पलंग है, इसके ऊपर सोते थे जो है। और पानी भरते थे नीचे ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये गर्मी के टाइम में लाल पत्थर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये हवाओं से ठंडा होता था। अच्छा, पानी कहाँ भरते थे? नीचे भरते थे, जैसे कूलर में भरते हैं ना थोड़ा पानी, यही। हाँ, और पलंग के ऊपर बैठ के ऊपर आने के लिए रास्ता जहाँ से था, अच्छा, एक रैंप जैसा बना हुआ था वहां तक आने के लिए। अच्छा, इन सीढ़ियों से रानी वहां तक पहुंच, ऊपर जाती थी रानियां, आती थी जो है। और ये रैंप था यहाँ से वहां तक। अकबर के आने जाने के रास्ते उनके महल के भीतर बेहद शानदार डिजाइनिंग। रानियों के आने के ये सामने गेट बनाए गए थे, आप देख सकते हैं सामने से रानी आती थी। और ये अकबर का बेड था जो जमीन से थोड़ा ऊपर था, जमीन पर पानी का थोड़ा बहाव रखा जाता था ताकि एक कूलेंट के तरीके से काम करे। फतेहपुर सिकरी में गर्मी बहुत पड़ती है। इसके बाद हम चल रहे हैं जोधा पैलेस की ओर। आइए, आगे आ जाइए, जोधा पैलेस चलते हैं। अच्छा, अकबर के जीवन में सबसे ज्यादा किस महारानी का प्रभाव रहा? रुकैया बेगम तो उनकी बचपन की साथी थी जी, तो बचपन से ही उनके साथ रही जो है। मगर बाद में महारानी जोधा से उनकी शादी हुई, तो महारानी जोधा के साथ और भी अच्छे रहे वो, क्योंकि उन्हीं से बच्चा हुआ जिसका नाम जहांगीर था जी। और महारानी जोधा को ही जो है हिंदुस्तान की मलकाए बनाई जो है, मलकाए हिंदुस्तान, बड़ी रानी। रुकैया बेगम को हक नहीं दिया? हाँ, उन्हीं को बनाया महारानी जोधा को जो है मलकाए हिंदुस्तान। अभी हम चलते हैं जोधा बाई के पैलेस पे। तो ये महारानी जोधा की रसोई थी, जोधा बाई का किचन है ये, क्योंकि महारानी जोधा जो है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए राजा अकबर ने उनके लिए अलग बनाया प्योर वेजिटेरियन किचन। और जो दूसरी रानियां थी उनके लिए नॉनवेज खाना वहां बनता था। और काफी अपोजिट में, काफी दूरी पर नॉनवेज की व्यवस्था की जाती सामने वहां, नॉनवेज सभी रानी के लिए, रुकैया बेगम के लिए, सलीमा बेगम के लिए, रानी मरियम के लिए, सभी रानी का खाना नॉनवेज वहां बनता था, उधर का प्योर वेज। और बीच में ये महल, ये महल रानी मरियम का है, क्रिश्चियन वाले का। अच्छा, और ये रानियों के रास्ते थे महल के ऊपर जाने के लिए, हवा महल के ऊपर, राजा अकबर के महल के ऊपर जाने के लिए रास्ते थे रानियों के लिए। ये पर्दा सिस्टम था जो है बिल्कुल।
एक क्रिश्चियन रानी थी मरियम, ये उनका महल है और महल का नाम था सुनहरा महल, गोल्डन हाउस। गोल्डन राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर बहुत ही अच्छी कलर गोल्ड पेंटिंग थी, जो हल्की हल्की दिखती है अंदर से ही देखेंगे आप, आइएगा। गोल्डन पेंटिंग? हाँ, गोल्डन पेंटिंग। यहाँ ये पेंटिंग हॉर्सेस बने हुए दिख रहे हैं आपको ऊपर दीवार पे। बिल्कुल, हम इसको थोड़ा और क्लोज व्यू में दिखाएं तो हॉर्सेस अभी भी दिख रहे हैं और वहाँ वहाँ हाथी है, एलिफेंट। यहाँ पर देखिए एकदम कोने पर अगर आप, पूरे महल के अंदर इस तरह की पेंटिंग थी, सोने चांदी की पेंटिंग राजा के टाइम में। तो ये महल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था जो है, मगर ये 450 साल हो गया तो मिट चुकी है, मगर अभी यहाँ जो उसकी कुछ यादें हैं। हाँ, कुछ यादें हैं, मगर ये अभी नया लगाया, देखिएगा ये सारा नया बनाया है अभी जी, ये रिपेयरिंग हुई। हाँ, पूरा रिपेयरिंग हुआ क्योंकि ये टूट गया था जो है जी। यहाँ अंदर से भी देखेंगे, आइए आप जी अंदर से देखिएगा आप। इसकी दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग थी, रुकैया बेगम के लिए एक अद्भुत, बहुत ही शानदार एक उनका पर्सनल कमरा बनाया था, मरियम हाउस है ये। मरियम क्रिश्चियन आई जी, सॉरी, मरियम क्रिश्चियन बीबी का महल है ये जी, क्रिश्चियन बीबी। और ये आर्च है, यहाँ पर हम क्रिश्चियन आर्किटेक्ट और उसके प्रभाव को देख सकते हैं। इसके बाद हम जोधाबाई के महल की ओर बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा महल महारानी जोधा का है, हिंदू रानी जोधा का जो है, और महल के अंदर राजा अकबर ने दो महल बनाए। इसके अंदर अभी हम देखेंगे, समर पैलेस है, विंटर पैलेस है, कृष्णा का मंदिर है, और ये सामने ये झरोके बने हुए हैं, ये राजस्थानी डिजाइन है, जो बालकनी बनी हुई है। राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़ है, हर किले के अंदर आपको ये झरोके मिलेंगे सेम, वो एयर वेंटिलेशन। और हाँ, कुंभ रानी जो है जयपुर राजस्थान से थी, तो ये पूरा हवेली जैसा बना हुआ राजस्थानी आर्किटेक्चर। तो अभी हम अंदर चलते हैं, आ जाइए जोधा महल के। जोधाबाई के महल को शाबिस्ताए इकबाल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1570 से 1574 के बीच में, 1570 से 1574 के बीच में, 16 साल रहे टोटल अकबर यहाँ पर। नहीं, इस महल के लिए महल 1570 से 1582 तक पूरा फतेहपुर सीकरी बन गया 12 साल में, 4 साल और रहे उसके बाद यहाँ से चले गए। ये समर हाउस जो जोधाबाई के लिए बनाया गया था, आप सामने जो एयरेशन के लिए इस खिड़की को देख रहे हैं, यह बेसिकली पत्थरों को तराश करके बनाई गई है। यहां से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप आएंगे तो ऊपर जो आपको सीधा रास्ता, खुला हुआ रास्ता दिख रहा है, वो एक्चुअल में पत्थरों के तराशे गए खिड़कियां हैं। तो ये सबसे बड़ा महल महारानी जोधा का था, हिंदू रानी का जो है, जो जयपुर की थी जी। और महल के अंदर राजा अकबर ने दो महल बनाए उनके रहने के लिए जी, गर्मी के लिए महल अलग बनाया, सर्दी के लिए अलग। ये उनका समर हाउस था, आप एक बार दिखाने, गर्मी के रहने के लिए था ये महल जी, और इसी के सामने उधर जो है सर्दी के लिए था विंटर हाउस। आप एक बार, सामने है सर्दी का महल, सर्दी के विंटर हाउस, विंटर पैलेस, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे हैं, गर्मी वाले में वेंटिलेशन है, खिड़कियां हैं, जालियां हैं, सर्दी वाला बिल्कुल पैक है, बंद है, वहां कोई जाली नहीं है, देखिएगा आप। अच्छा, उसको पूरी तरीके से पैक, बिल्कुल पैक है सर्दी वाला। तो बनाने का डिजाइनिंग भी इस तरीके से बनाया गया था, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से जी जी, एक अनुकूलित माहौल में जी। बीच में यहाँ तुलसी का पौधा था, रानी यहाँ पूजा करती थी, है अभी ये दूसरा है। उधर सामने उनका कृष्णा मंदिर था, यहाँ रानी पूजा करती थी कृष्णा जी की, अभी मूर्ति वगैरह नहीं, खाली मंदिर है। अकबर राजा और रानी जोधा यहाँ से गए तो अपने साथ सोने चांदी की मूर्ति थी वो ले गए, जहां जहां जोधा बाई रहती थी राजा के साथ, वहां उनका कृष्णा मंदिर था। तो ये कृष्णा मंदिर है, ये उनका समर पैलेस था और ये विंटर पैलेस था सामने। यहाँ उनकी दासियां रहती थी चारों तरफ जी, पूरा ही चारों तरफ दासियां रहती थी। ये पूरा हवेली जैसा बनाया पूरे महल को, और उनकी सुख सुविधा के लिए जी पूरा सिस्टम। अभी कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में हम देखेंगे बीच में उनकी मूर्ति को, ये कृष्णा जी का मंदिर है जी, यहाँ बीच में बैठकर रानी जोधा पूजा करती थी जो है, ये जगह उनके पूजा के लिए थी जी। सामने जो आला है वहां कृष्णा जी की मूर्ति रहती थी सोने चांदी वाली जी। यहाँ बगली से छोटे छोटे कमरे हैं दोनों तरफ पूजा का सामान रखने के लिए, और ये और भी जो आले हैं ना, ये सब दिए वगैरह रोशनी के लिए थे, जैसे मंदिरों में घंटे होते हैं जी, यहाँ ये दीवारों पे बने हुए देखिएगा।
अकबर इतना सही शुरू थे कि उन्होंने पूरी तरीके से आर्किटेक्ट, जैसे कि यहाँ पानी के कलश वगैरह बने हुए हैं जी, हिंदू सिंबल है सारे ये जी, तो ये पूरा ही कृष्णा मंदिर था जो पूजा के लिए था जो है।